वार्ड नंबर चार के यंग एंड डायनेमिक सोशल लीडर यासिन मलिक की हम बात कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंटली इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन में ठहर रहे हैं, जिनका निशान है सिलेंडर। यासिन मलिक जो शुरुआत से ही सोशल वर्क करते आए हैं और एरिया की वो काफी जिम्मेदार हैं। एरिया की वर्क्स, चाहे वो लाइट इश्यूज रहने दो या फिर ड्रेनेज, हमेशा से लोगों के साथ वो रहे हैं और एरिया की हमेशा वो खिदमत करते आए हैं। इस बार उन्हें टिकट नहीं मिलने की वजह से उन्होंने इंडिपेंडेंस इलेक्शन को ठहरने का फैसला किया है और लोगों का सपोर्ट काफी उन्हें मिलता जा रहा है। कई सारे रैलीज भी हुए, कई सारे प्रोग्राम्स भी, जिसके अंदर यासिन मलिक को काफी बड़ा सपोर्ट मिलता जा रहा है और एरिया के लोगों का यह कहना है कि यासिन मलिक को जिता कर लाएंगे। आइए देखते हैं इस मौके पर यासिन मलिक और एरिया के लोगों का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह, नमस्ते। मैं सैयद यासिन मलिक, वार्ड नंबर 4, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। जो मेरा निशान है गैस सिलेंडर, सीरियल नंबर 5 है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से आप लोगों का मैं साथ देखते हुए, भारी अक्सरियत से आप लोग मेरा बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं। मैं आप लोगों से ऐसे ही उम्मीद करता हूं। मुझे आगे कल मेरी वोटिंग का दिन है, आप लोग बढ़ चढ़ के अव्वल वक्त में आके अपना जाती वोट, अपने घर दोस्तों अहबाब का वोट डाल के मुझे भारी अक्सरियत से जीत दिला दीजिए। मैं जिस तरीके से वार्ड में काम करते आया हूँ, आगे भी आप लोगों के 5 साल नहीं बल्कि जब तक हयात रहेंगे तब तक वार्ड का काम करता रहूँगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, फिर एक बार, मेरा सीरियल नंबर है 5, गैस सिलेंडर मेरा निशान है, आप लोग भारी अक्सरियत से मुझे जिताइए। मैं वार्ड में हर वो काम करने के लिए इंशाल्लाह रेडी हूं। वार्ड नंबर 4 में आप काफ़ी एक माना जाने वाला एक एरिया है वार्ड नंबर 4 जी, तो आपके अपोजिट कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप पे भारी पड़ सकते हैं यासिन मलिक, आप उनको किस तरह से ओवरटेक करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये वार्ड को 22-23 साल से जानता हूँ। मैं ये वार्ड में पला बड़ा हूँ, तालीम मेरी यहीं पे हुई है, हर चीज़ मेरी ये वार्ड से हुई है। एरिया के हर वो मसाइल से मैं वाकिफ़ हूँ और वाबस्ता हूँ। मुझे ये एरिया से बहुत लगाव है, मेरे वार्ड से मेरे को बहुत लगाव है। मैं हमेशा से काम करता हूँ यहाँ पे और आगे भी करने की नीयत से उतरा हूँ। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, आपका अपना वोट और अपने घर वालों का, अपने दोस्त अहबाब का, सबका वोट मुझे डाल के भारी अक्सरियत से कामयाब करिए। यासिन साहब, आपके वार्ड नंबर 4 में काफ़ी जाना माना और काफ़ी फेमस ये वार्ड माना जाता है, आपके अपोजिट कई दिग्गज कैंडिडेट भी हैं, उनको आप किस तरह से शिकस्त कैसा देंगे, क्या होगा, क्या बताएंगे आप? दिग्गज की बात कुछ नहीं है, बस अपने काम पे तवज्जो करिए, अपनी नज़र एक फोकस एम बना के मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी को कुछ ये नहीं समझ रहा हूँ, बस मुझे काम करना है वार्ड के लिए और मैं काम करूँगा, बस ये मेरी जाती राय है और मेरे साथ दोस्त अहबाब हर कोई मेरे को बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं, बस उनके भरोसे पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यासिन मलिक, हमने सुना था कि आपने कांग्रेस से भी अपने सीट की अपील की थी, मगर आपको वहाँ से निराशा हाथ आई है। कांग्रेस की सीट नहीं देने के बावजूद मैं इंडिपेंडेंट, मेरे वार्ड के मेरे भाई दोस्त बुजुर्ग खवातीन सब बढ़ चढ़ के मुझे मेरे से अदबन गुजारिश किए, आप कॉन्टेस्ट करिए, हम आपका साथ बढ़ चढ़ के देंगे, हम आपके साथ हर टाइम रहेंगे, आप इलेक्शन ठहरो मत ठहरो। वो लोग आके मुझे बहुत रिक्वेस्ट किए, आप कंटेस्ट करिए, हम आपके साथ है, बोले मैं कंटेस्ट किया हूँ। यासिन मलिक, रिसेंटली कुछ एलिगेशंस भी आप पर लगे हैं सोशल मीडिया पर, ऐसा आपका कहना था, क्या एलिगेशंस थे वो? एलिगेशंस तो बहुत सारे लगे हैं, अपोजिशन से ये सियासत है, अच्छी एक सियासत है ये, आप एक साफ गेम खेलिए, इसको एक गेम की तरह लीजिए, आवाम का साथ जिसको रहेगा वो जीतेगा। आप ये बेफजूल के एलिगेशंस लगाना बंद करिए, ये लिए फला बिस्ता, इससे कोई डरने वाला नहीं है, ना हमारे लोग डरने वाले हैं। बस मैं ये बोलूँगा अपोजिशन को, आप एक अच्छे लोगों से तवक्कु रखिए और अच्छा आपका काम से आप वोट मांगिए, बस मेरा ये कहना है। घर के लोगों से अपील करता हूँ, मेरा पुरजोर कल के दिन, कल मेरा पोलिंग का डेट है, पुरजोर बढ़ चढ़ के कल मुझे पोलिंग करिए, मेरे हक में वोट दीजिए, मैं आपके लिए 5 साल नहीं बस। यासिन मलिक, इंशाल्लाह आपकी जीत होगी, ऐसे हम उम्मीद रखते हैं। आपकी अगर जीत होती है, आपकी जीत को देखकर जो कांग्रेस पार्टी आपको इग्नोर की थी, कहीं कहीं वो पार्टी से आपको अगर अप्रोच मिलता है कि आप हमारे पास ज्वाइन हो जाइए, तो आपका क्या जवाब रहेगा? जी बहुत अच्छा सवाल किया फैज भाई आप, मैं मेरे वार्ड के आवाम के मशवरे पे, मैं मेरा मशवरा मैं उस पर मुत्तफिक होकर मैं काम करूँगा। मेरा ऐसा कोई जाति ये नहीं है पर्टिकुलर, मैं किसी अब पार्टी का नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, बस मेरे वार्ड की आवाम जहाँ मुझे लेके चलेगी मैं वहाँ होके काम करने की कोशिश करूँगा। वार्ड नंबर 4 की आवाम से अदबन गुजारिश करता हूँ, आप अपना कीमती वोट मेरे हक़ में देकर मुझे कामयाब बनाइए। आप लोग मेरे पिछले कामों से वाबस्ता है,
आप लोग आगे भी ऐसे ही काम करने की मैं कोशिश पूरी करूंगा। आप लोग अपना कीमती वोट दीजिए और मेरा सीरियल नंबर है 5 नंबर और मेरा इंतखाबी निशान है गैस सिलेंडर, जो हर घर के पहचान है गैस सिलेंडर। आप उस पर आइए, अपना कीमती वोट मुझे देकर कामयाब बनाइए। सैयद यासीन अली जो वार्ड नंबर 4 से हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ठहरे हैं, जिनका इंतखाबी निशान यानी कि इलेक्शन सिंबल है गैस सिलेंडर। और मैं यहाँ पे वार्ड नंबर 4 से हूँ और जितने भी अवाम यहाँ पे वार्ड नंबर 4 की जो डेवलपमेंट के काम से है ना मोहब्बत रखते हैं और जो चाहते हैं कि अपना है ना वार्ड डेवलप हो और अच्छी कारकर्दगी हो इसमें, वो लोग सैयद यासीन अली को आप अपना इंतखाबी वोट देकर, जो अपना ज़ाती वोट है, उन तमाम लोगों से जो वार्ड नंबर 4 में जो रहते हैं, मैं उनसे है ना गुजारिश करता हूँ कि वो आप अपना कीमती वोट देकर यासीन अली को अक्सरियत से कामयाब करें और इंशाल्लाह यासीन अली जीत के आएंगे तो ये डेवलपमेंट में काफ़ी है ना बहुत सारा प्रोग्रेस का काम होगा। और जितने भी लोग अपना ज़ाती वोट जो भी है उसको सही इस्तेमाल करिए, हमारा वोट बहुत ही कीमती है, इसको है ना कौन सी भी चीज़ को है ना नज़रअंदाज करिए ना चूक करिए। वंस अगेन टू द पीपल ऑफ वार्ड नंबर 4 हु आर रिसाइडिंग हियर हु लव्स विद द डेवलपमेंट वर्क ऑफ द वार्ड नंबर 4, आई अपील टू देम, इट इज़ ए अर्नेस्ट अपील टू द पीपल ऑफ वार्ड नंबर 4 हु रिसाइड्स हियर, वोट फॉर चेंज एंड वोट फॉर सैयद यासीन अली हु इज़ हैविंग द सीरियल नंबर 5 एंड इज इलेक्शन सिंबल इज़ गैस सिलेंडर। इस वक्त गुलबर्गा में कॉरपोरेशन इलेक्शन ज़ोर और शोर पर है। इस वक्त वार्ड नंबर 4 में हमारे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सैयद यासीन अली जो ठहरे हुए हैं, जिनका सिंबल है सिलेंडर और सीरियल नंबर है 5। इसीलिए मैं तमाम वार्ड नंबर 4 के तमाम आवाम से अपील करता हूं कि वो कल सुबह जुमा के दिन 3 सितंबर जुमे के दिन अपना कीमती वोट सैयद यासीन अली को डालकर उन्हें भारी अक्सरियत के साथ कामयाब करें, क्योंकि सैयद यासीन अली एक यूथ हैं और आने वाले यूथों को हम लोग प्रेफरेंस पहले देना होगा। इसीलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो अपना कीमती वोट डालें और हर कोई आए और वोट डालें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारे यासीन को हम पूरे एरिया वाले, हमारी रिक्वेस्ट है यासीन मियां नेथर रहते, हमें यासीन मियां को हमारी ख्वाहिश से तरह करें, कांग्रेस वाले सीट नहीं दिए थे, हम उनको हमारे जज्बात से तरह करें, यासीन में जोश है वो जज्बात है बोल को हम तरह करें। 3 तारीख के दिन यासीन मियां को अच्छी मौरख से जिता को लाना है हमको। यासीन भाई का निशान है गैस सिलेंडर और नंबर है 5, उनका नंबर पे दबाइए वोट, अच्छे मुकाम पे जिताइए। मेरे वार्ड नंबर 4 के मेरे माँ बहना को सबको मेरी रिक्वेस्ट है, यासीन को अच्छे मुकाम से वोट डालिए। आजू बाजू लोगों को बाता में दहन में जाले को कुछ भी वफाए गलत उठ रही है यासीन भाई के बारे में। यासीन भाई एजुकेटेड है बच्चा, उसको जज्बात है काम करने का, उनको हम मौका देना है। ऐसे वैसे लोगों को मौका रखो दिए, अनपढ़ लोगों को, फालतू लोगों को मौका रखो दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गो हैश, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।